कराची के मिसाइल पर पीटीआई की वजीर आजम से एक्शन लेने की पुरजोर अपील। फिरदौस नकवी ने कहा कि इमरान खान कराची का हर बार नाम लेते हैं, अब एक्शन लें। उन्होंने मजीद कहा कि मईशत तबाह हो रही है, पीटीआई हर जगह पर एहतजाज करेगी। उधर वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। मसाइल के हल के लिए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया से जल्द मुलाकात की हिदायत। रात में बिजली, दिन में गैस बंद, कराची के सनतकार बका के लिए फिक्रमंद। साइट एसोसिएशन की वजीर आजम और वजीर आला से सनतों को बचाने की अपील। हुकूमत का तमाम सनतों को जुमा, हफ्ता और इतवार को गैस न देने का फैसला। सुलेमान चावला कहते हैं हुकूमत सनतें बंद करना चाहती है तो चाबियां दे देते हैं। उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया, आज अल्लाह का खास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं, अब एहतियात कर लें तो इंशाल्लाह बाकी दुनिया के मुकाबले में हम बहुत बेहतर निकलेंगे इस बड़े मुश्किल वक्त से। वजीर आजम की कौम से ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। वजीर आजम कहते हैं मुश्किल वक्त से निकल आए हैं, ईद उल फितर की तरह लापरवाही ना बरतें। वजीर आजम आज कौमी इस्तेदाद टिड्डी दल मरकज का दौरा करेंगे। मुल्क भर में इस्तेदाद टिड्डी दल ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ब्राय हाउसिंग का इजलास आज तलब। चिश्तियाँ के चक नंबर 116 मुराद में वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम की धज्जियाँ उड़ा दी गयी। बुनियादी मरकज सेहत के डॉक्टर सलमान ने 5 लाख मालियत के हरे भरे दरख्त कटवा दिए। जराय का कहना है कि अहले इलाका ने 12 अफसरान बाला को करप्ट डॉक्टर और उसके साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन महकमा सेहत के अफसरान ने अब तक कोई नोटिस नहीं लिया।